નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા એનસીસી લીડર એકેડેમી જીતનગર ખાતે બ્રિગેડિયર અમિત સિંહના હસ્તે નર્મદા ટ્રેકનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. એનસીસીના આ ટ્રેકિંગ કેમ્પમાં સમગ્ર દેશના 27 રાજ્યોમાંથી 1000 જેટલા એનસીસી કેડેટ્સો ભાગ લઈ રહ્યા છે. ये जो सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का एनसीसी कैंप है जो गुजरात डायरेक्टरेट पूरे भारतवर्ष के एनसीसी के बच्चों के लिए हर साल ऑर्गेनाइज करती है और जो हमारा बड़ौदा ग्रुप है वो इसको कंडक्ट करता है. इसमें पूरे भारत से 1000 बच्चे एनसीसी के आते हैं, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग डायरेक्टरेट से. और इस ट्रैक को हम चार हिस्सों में 250 बच्चों के साथ करते हैं. इस ट्रैक में 8 दिन का प्रोग्राम है बच्चों का और इन 8 दिनों में उनको एक विशेष तरह का अनुभव प्राप्त होता है, जिसमें 56 किलोमीटर ये बच्चे पैदल चलते हैं और सतपुरा की पहाड़ियों में इनको रात को रहने का मौका मिलता है, जिससे कि और वहाँ रात को रह के ये कुछ अपना सामाजिक प्रोग्राम करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ के आदिवासियों से मिलते हैं, वहाँ के फ्लोरा फौना से को देखते हैं और वहाँ महसूस करते हैं कि गुजरात का गांव, गुजरात का जो इलाका है वो कैसा है, वो कैसे लोग वहाँ रहते हैं. और ये एक बहुत ही अद्भुत किस्म का ट्रैक है जो बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हैं. और एक्चुअली हर साल हमसे कहा जाता है कि इसका स्ट्रेंथ बढ़ाइए जिससे और भी बच्चों को मौका मिले. और हमने अभी सोचा है कि अगले साल से हम लड़कियों को भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे कि बच्चों का एक साथ एकजुटता और भाईचारा और रहने का और भी अच्छा अद्भुत तैयार हो. यहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. हम लोग जैसे 8 दिन यहाँ गुजारेंगे तो हमें और अदर स्टेट्स के बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा और उनके कल्चर्स जानने का, क्योंकि हमने ये फर्स्ट नेशनल कैंप है जो हम अटेंड कर रहे हैं गुजरात में, और गुजरात में भी फर्स्ट हमारा आना हुआ है. और काफ़ी अच्छा, हम लोग वडोदरा से आए तो हम लोग को फर्स्ट टाइम इधर सब कुछ रहा और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटैलिटी है यहाँ के, मतलब स्टाफ का और द बेस्ट.